तो गाइस हम यहाँ पर सेकंड कॉलेज जो रखेंगे वो है AOT। अगर आप AOT के बारे में पर्सनल आप यहाँ पर कॉलेज रिव्यू देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, यहाँ पर आई बटन पे दिखेगा। मैंने पूरा AOT के बारे में कवर किया है तो और काफ़ी स्टूडेंट्स को पसंद भी आया वीडियो। तो यहाँ पर हम देखते हैं गाइस प्लेसमेंट और फीस के बारे में। तो फीस तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर बताया 360,000 के करीब है, 351,000। और यहाँ पर गाइस परसेंटेज ऑफ द प्लेसमेंट, ये वाला इसे कहते हैं प्राइवेट कॉलेज का परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट थ्रू द कैंपस इंटरव्यू, दैट इज अबाउट द गाइस 92%, 91%, 81%। आप जो सोच रहे हो क्या 81, 90 ये परसेंट क्या होता है, पूरा स्टूडेंट का होता है? नहीं, यही बेवकूफ़ी है आपकी, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। 92% जो चीज़ है वो है क्या 100%, मतलब कौन से 100%? आप सोचो 90 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ दो स्टूडेंट्स बैठते हैं प्लेसमेंट, तो दो स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का होता है, तो ये हो गया आपका 50% का प्लेसमेंट थ्रू द कैंपस इंटरव्यू। अब दिमाग में कुछ घुसा? ठीक, अभी भी नहीं घुसा तो मैथ्स लेके बैठ जाओ। और यहाँ पर गाइज मैक्सिमम CTC जो है वो है 6.36 या 9.21। मेरे को लगा कि 9.21 एवरेज अगर देखें तो 6 का मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और एवरेज CTC इन्होंने दिया है कि 3.65, जो बहुत ही ओके है फॉर गुड प्राइवेट कॉलेज, मुझे तो अच्छा लगा। अब यहाँ पर गाइज बात करें हम कट ऑफ्स की, तो कट ऑफ्स एज कम्पेयर टू NACC यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाइज ये जो कॉलेज है ये मैंने बहुत ज़्यादा आउट है फ्रॉम कोलकाता, ये हुगली में गिरता है बेसिकली। अब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो गाइस 14,000 वहाँ पर 11,000 थी, यहाँ पर TFW में कम पड़ रहा है, ये तो रैंडम ऑर्डर है क्योंकि TFW में 3 सीट होती है, अगर मैटर करता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में 180 है तो 9 सीट्स होती है। तो यहाँ पर गाइस अब देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 24, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 21। सो ये जो तीनों चीज़ है आपको बेसिकली 25,000 के अंदर CSE या फिर आपको IT मिल सकता है, पर कंप्यूटर साइंस बेसिकली हर साल देखा गया 18-19,000 या फिर 15,000 से 15,000 तक आप समझ सकते हो। और अगर बस TFW रैंक है तो श्योरली ये अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, यू मस्ट ट्राई। और मैकेनिकल का बात करें तो 80,000 तक आप इसे टच कर सकते हो। और इवन गाइज आपको अगर मैकेनिकल सिविल चाहिए तो आपको कॉलेज में ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनली कॉलेज में जाओ और बात करो उनसे, तो अगर सीट ब्लैंक होगा तो आपको दे देंगे। सो गाइज यहाँ बात हो गई AOT की, और AOT की अगर बात करें तो गाइज पर्सनल रिव्यू आप यहाँ पर देख सकते हो। और ऐसे शॉर्ट में बताऊँ तो ये कॉलेज मुझे पर्सनली बहुत पसंद भी आया और कैंपस इसकी बहुत सुंदर है, तो ये एक इसकी खास बात है। और ये कुछ कॉलेज ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये पर्सनल मेरी व्यू है कि ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और इनकी जो कट ऑफ्स है वो भी नॉर्मल है फॉर अ गुड स्टूडेंट, ये कॉलेज भी बहुत ही अच्छा।